तकरीबन हो गए 8200। तो ये जो 8200 रुपए के जूते आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, और ये आपको पता है मैंने कितने में लिए, ये डिस्काउंट के बाद 8200 रुपए के जूते मुझे मिले सिर्फ और सिर्फ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं PVR CP में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। तो आज का दिन जो है हम लोग सुबह कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने, अभी हो चुका है तकरीबन, बज रहा है 12:30 और हम करने जा रहे हैं लंच। देखिए लंच में आज बनवाए हैं छोले। तो छोले जल्दी से खा लेते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद निकलना है CP की तरफ, बिकॉज आज हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो हमारे आर्यन भाई आ रहे हैं वहाँ पे और हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, वो जो नई मूवी आई है ना, क्या है वो, मैं हार नहीं मानूंगा, वो जो विक्रांत मिश्री की है, डायरेक्टेड बाय विदु विनोद चोपड़ा जी, तो वो मूवी देखने जा रहे हैं। तो पहले जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों तैयार हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं CP की तरफ, और आर्यन भाई वहाँ पे आने वाले होंगे, वो 51 पर बैठ गए, उनका फ़ोन आया था, तो हम लोग निकलते हैं और जल्दी से पहुँचे, बिकॉज ऑलरेडी मुझे लग रहा है लेट हो गया है, 10 मिनट रह गए हैं 15 मिनट मूवी स्टार्ट होने में, और पहुँचने में भी 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा ही लग जाएगा एक्चुअली। चलिए चलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं PVR CP में। आर्यन भाई अभी आए नहीं है तो उनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाएं तभी डिसाइड करें, बिकॉज मूवी 1:45 की थी और 2 बज चुका है, तो ये तो कह रहे हैं कि 15 मिनट पहले ऐड होते हैं, उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है, तो वेट कर लेते हैं, तो जाएंगे तो साथ में अंदर घुस जाएंगे। वो देखिए वो आ गए, 2:30 आ रहे हैं, 1:30 में वो देखिए। जय श्री राम फ्रेंड्स, मूवी तो हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था। अब जैन चावल वाला के आ गए भैया, आर्यन भाई चावल नहीं, खा लेते हैं, क्योंकि मूवी आधा घंटा ज़्यादा छूट चुकी थी तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि अब मैं तो खाना खा के आया था, भैया आर्यन अपना प्लेटर खा रहा है। रोटी पकड़ रहे हैं ये देखिए, हाय क्या बड़ी मुश्किल से जगह मिली रखने की, देख लो वहां पर एक रोटी। आज मूवी नहीं देख पाए, ये खाना खा के रह जाए, जहाँ पे जाएंगे कैसा है। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस आ गए थे, जब CP में गए थे तो सारी बातें करके वापस आ गए, और वापस आए तो यहाँ घर पे आ चुका है हमारा, ये देखिए ये क्या है, आपको क्या लग रहा है, थंबनेल में आपने देख ही होगा, समझ में आ गया होगा, ये हमारे शूज़ हैं जो हम लोगों ने मंगाए हैं, और शूज़ जो है सेल से मंगाए हैं और बहुत ही सस्ते में मंगाए हैं, तो इसको खोलते हैं, बॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी, यही तो सब कंटेंट है जो इसी तरीके से हम लोग मिल जाता है, तो जरूरी है नहीं है, इसके कंटेंट बनाना पड़ता है, अभी तो एक ही कर डिब्बा तो ऐसा भेजा जैसे बहुत पुराने जूते हैं, डिब्बे से तो लग रहा है कि सेकंड हैंड जूते मैंने मंगाए हैं, लेकिन ऐसा है, वैसे मैंने मंगाए नहीं, इन्होंने भेज दूँ तो लोग बात दिए, देखिए डिब्बे कंडीशन देखिए, ऐसा हो गया डिब्बा डैमेज, ये देखिए जूते खोल के किसी ने बदल तो नहीं दिए अंदर कुछ, और देखते हैं जूते वही हैं कि नहीं। ओके दिस इज वाइट स्नीकर्स, आप देख सकते हैं, एंड ओवर हियर वी हैव पुमा एंड 1/8 का कॉम्बिनेशन, दिस इज, तो
तो देखिए बहुत ही जूता तो बहुत लाइट है, भी हल्का है, बहुत हल्का जूता है ये, फिर भी थोड़ा सा बीस है, बट ये तो वाला तो बहुत हल्का है, इससे लग रही है, इससे नहीं इतनी लग रही है, हल्का जूता है, रहता इजी रनिंग वनिंग के लिए, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो ये जो जूते हैं आप, ये स्नीकर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्लैकिश हो रखा है, मतलब थोड़ा गंदगी से पहले से ही इसमें ऐसा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ना इन्होंने एक जो मटेरियल लगाया हुआ है, वो जो रैक्सीन टाइप का मटेरियल नहीं होता है सोफे पे जैसे कवर वगैरह के होते हैं, मुझे लग रहा है वो मटेरियल लगा हुआ है। और ये देखिए तो लग रहा होगा ये पहले से ही गंदा हो रखा है, और ये बहुत जल्दी गंदा होगा, क्योंकि देखिए ये मटेरियल ठीक है, यहाँ पर गंदा नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए क्योंकि वाइट है, गंदा वैसे भी होता है, लेकिन ये जो उन्होंने दिया है मुझे लग रहा है गंदा होगा, मे बी इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 3900 है, ठीक है, ये बेसिकली मतलब सही है, इसमें कुछ मतलब कमी नहीं लग रही है, गंदा भी नहीं है, और इसकी शेप वगैरह भी अच्छी है जैसा लुक था, बहुत लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट, मुझे लगता है कि आपका रनिंग वगैरह करने में या कुछ भी आपको एक्टिविटी करनी है फिज़िकल, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, है ना। तो ये जो था ये 4300 का है, ये 3900 का था, तो तकरीबन हो गए 8200। तो ये जो 8200 रुपये के जूते आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, और ये आपको पता है मैंने कितने में लिए, ये डिस्काउंट के बाद 8200 रुपये के जूते मुझे मिले सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2440 रुपये में। तो 2440 रुपये में ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ दो जूते 8200 के। अब आप लोग अगर जानना चाहते हैं कैसे, तो ये मिंत्रा पे एक कूपन है वो एप्लीकेबल हो जाता है, अगर आप 3500 की शॉपिंग करता है तो 1000 का सीधे ऑफ मिलता है, तो दोनों का जो अमाउंट है 3500 प्लस होना चाहिए, बस ये है। तो और ऑब्वियसली ये जो था ऑलरेडी मिला के 35 में ऊपर हो रहा था, तो वो 35 मतलब जो आपका ऑलरेडी डिस्काउंट होता है, जैसे 4300 का ये है, बट ये ऑलरेडी डिस्काउंट में था, 2400 के आसपास में हो रहा था ऑलरेडी, बट अभी और डिस्काउंट में हो गया, मतलब 2200-2300 का ही अकेले मिल रहा था, और अभी दो मिल गए उसमें, ऐसा है। तो देखते हैं इसको रिटर्न करना होगा तो रिटर्न करेंगे एक चीज़, फिर देखते हैं कैसे ये आएगा, बिकॉज अभी तो एक रिटर्न करेंगे तो उतने ही का दूसरा लेना पड़ेगा अगर वो कूपन एप्लीकेबल रहे, है ना। तो बेसिकली ये है, और आप लोग भी चाहें तो मंगा सकते हैं, क्योंकि समय सेल ऑन है, और अभी मैं सोच रहा था अब शर्ट भी मंगाऊँ, तो शर्ट भी देखो जब आती है ऑर्डर करते हैं फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग पे, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, कर दीजिए फोन।